F3 एग्जाम किट कैप्लान टॉपिक कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन। क्वेश्चन नंबर 217। क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर प्रोड्यूसिंग अ ट्रायल बैलेंस प्रायर टू प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर प्रोड्यूसिंग अ ट्रायल बैलेंस। ऑप्शन ए, इट कंफर्म्स द एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स। नो। बी, इट प्रोवाइड्स ऑल फिगर्स नेसेसरी टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नो। इट सी, इट शोज दैट द लेजर अकाउंट contain debit and credit entries of an equal amount. Yes. So option C correct answer is D. It enables the accountant to calculate any adjustment required. No. So trial balance ka equal ana ye show nahi karta hai ki hamare ledgers accurate hain, error free hain, kyunki error aane ke bawajood trial balance equal aa sakta hai. ट्रायल बैलेंस का इक्वल आना सिर्फ ये शो करता है कि आपने हर ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री रिकॉर्ड की है इक्वल अमाउंट से। इस बात की गारंटी नहीं है कि वो आपने एंट्री सही रिकॉर्ड की या सही अमाउंट से रिकॉर्ड की है या गलत रिकॉर्ड की है। तीसरा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। 217 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 218। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। अब टेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 7,68,420। द पेबल्स लेजर टोटल्ड 7,81,200। राइट, तो कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस गिवन है, पेबल्स लेजर का टोटल गिवन है, दोनों में डिफरेंस आ रहे हैं। अब रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल एरर्स कुड अकाउंट इन फुल फॉर द डिफरेंस? डिफरेंस आने की रीजन बता। लेकिन जिन एरर की वजह से डिफरेंस आता है तो उन एरर्स की अगर हम करेक्शन कर लें तो डिफरेंस खत्म हो जाएगा। तो हम कहते हैं वन बाय वन फोर ऑप्शंस हैं, इन चारों ऑप्शंस की करेक्शन करेंगे। जिस ऑप्शन की करेक्शन पे दोनों बैलेंस इक्वल हो जाएंगे वही करेक्ट आंसर। सबसे पहले एक कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं, फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। टेबल कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैलेंस कॉपी करते हैं। कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस है 7,68,420। 7,68,020। अब बैलेंस एज पर लेजर का टोटल है 7,81,200। 7,81,000। ऑप्शन ए की करेक्शंस करते हैं। ऑप्शन ए, कॉन्ट्रा अगेंस्ट रिसीवेबल लेजर डेबिट बैलेंस ऑफ 6,390 हैज बीन एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट। कॉन्ट्रा की एंट्री पहले बना लेते हैं। कॉन्ट्रा की एंट्री होती है अकाउंट्स पेबल डेबिट, अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। अमाउंट इज 6,390 डेबिट 6,390। अपने अकाउंट्स पेबल को डेबिट करना था 6,390 से, और यहाँ लिखा है डेबिट करने के बजाय क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया। तो अकाउंट्स पेबल को डेबिट करना था, डेबिट करने के बजाय क्रेडिट किया है। अब हम इसे डबल अमाउंट से डेबिट करेंगे क्योंकि आपको मालूम है जब साइड चेंज होती है तो इफेक्ट डबल हो जाता है। तो 6,390 का डबल 12,780 डेबिट हो गए। अकाउंट क्लोज करते हैं। 7,68,420 7,68,420 टोटल आ गया, माइनस करेंगे इसमें से 12,780। 7,68,420 माइनस 12,780
करेक्ट बैलेंस आएगा 7,55,640, 7,55,640 कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस आ रहा है जो कि पेबल लेजर के टोटल के इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स ए आंसर रॉन्ग। ऑप्शन ए की करेक्शन पे दोनों बैलेंस इक्वल नहीं हुए, ऑप्शन ए रॉन्ग है। आप ऑप्शन बी की करेक्शन करेंगे, ऑप्शन बी कैश परचेजेस ऑफ 28,400 वॉज एंटर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट इंस्टेड ऑफ द करेक्ट फिगर फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ 15,620। तो डिस्काउंट रिसीव्ड की पहले एंट्री बना लेते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड की डबल एंट्री होती है अकाउंट्स पेबल डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट। 15,620, 15,620। तो इसने अकाउंट्स पेबल को 15,620 से डेबिट करने के बजाय 28,400 से डेबिट कर दिया। तब इसकी करेक्शन ये होगी कि पहले तो हम अकाउंट्स पेबल को 28,400 से क्रेडिट करके उसके इफेक्ट्स को कैंसिल करेंगे, रिवर्स करेंगे 28,400, और अब पेबल हमें डेबिट करना था 15,620 से, जैसे डेबिट करते हैं 15,620। पहले हमने कैश परचेजेस को डेबिट किया था, उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए, रिवर्स करने के लिए क्रेडिट किया 28,400 से, और फिर 15,620 से डेबिट करना था तो इसे हमने डेबिट, इसको बैलेंस करते हैं। 7,68,420 प्लस 28,400, ये टोटल आ गया 7,96,820, 7,96,820। डेबिट साइड पे लिखते हैं 7,96,820, और इसमें से अब माइनस करेंगे 15,620, इसका एडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा 7,81,200, 7,81,200 एडजस्टेड बैलेंस एज पर कंट्रोल अकाउंट। देखिए कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस और पेबल्स लेजर का टोटल दोनों इक्वल हो गए, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो सर से करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्या अभी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर आ गया बी, लेकिन हम अपनी प्रैक्टिस के लिए ऑप्शन सी और डी की करेक्शन भी कर लेते हैं। रहने देते हैं। ऑप्शन सी 12,780 कैश पेड टू अ सप्लायर वाज एंटर्ड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ सप्लायर्स अकाउंट ऑन द पेबल्स लेजर। अच्छा कैश पेड टू सप्लायर, तो इसकी डबल एंट्री होती है अकाउंट्स पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, अकाउंट्स पेबल डेबिट, तो इसने अकाउंट्स पेबल को डेबिट करने के बजाय क्रेडिट कर दिया। तब डबल अमाउंट से इसे डेबिट करेंगे। अब ये देखें पेबल लेजर में एरर हुआ है, तो इसकी करेक्शन या रिकंसिलेशन में होगी। अच्छा पहले ये हम लिख लेते हैं, ये पेबल का जो टोटल था ये क्रेडिट बैलेंस है ना, क्रेडिट था, और अब यहाँ एरर ये हुआ कि इसने 12,780 से डेबिट करने के बजाय सप्लायर अकाउंट को क्रेडिट किया है, तब हम डबल अमाउंट से इसे डेबिट करेंगे। 12,780 डबल होगा 25,560, 25,560 से सप्लायर अकाउंट को डेबिट करेंगे, और डेबिट मीन्स ये क्रेडिट बैलेंस में से माइनस हो, यहाँ लिखेंगे -25,560। माइनस करके देखते हैं ये कंट्रोल अकाउंट के इक्वल आता है या नहीं आता। 7,81,200 -25,560 बैलेंस आ रहे 7,55,640, जो कि कंट्रोल अकाउंट के बैलेंस के इक्वल नहीं है, दैट मींस बी सी आंसर रॉन्ग। ऑप्शन डी की करेक्शन करते हैं। ऑप्शन डी टोटल ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड 6,390 हैज बीन एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ओके अब डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड की डबल एंट्री होती है अकाउंट्स पेबल डेबिट
डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, डिस्काउंट अकाउंट्स पेबल को डेबिट करने के बजाय इसने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया है, पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करने के बजाय क्रेडिट किया। तो हम डबल अमाउंट से अकाउंट्स पेबल कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करेंगे, 6,390 का डबल हो जाएगा 12,780, डेबिट पे लिखते हैं 12,780, 12,780 से पेबल अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो बैलेंस करते हैं 7,68,420, 7,68,420 उसे माइनस करेंगे 12,780, 7,68,420 माइनस 12,780 बैलेंस आ रहा है 7,55,640, जो कि टेबल लेजर के टोटल के इक्वल नहीं है। तो इट मीन्स सी डी भी आंसर नहीं होगा, डी भी रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को हम दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। ऑप्शन बी, कैश परचेजेस ऑफ 28,400 वाज एंटर्ड ऑन डेबिट साइड ऑफ पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट इंस्टेड ऑफ द करेक्ट फिगर फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ 15,620। ये 15,620 से डेबिट करने के बजाय हमने 28,400 से कंट्रोल अकाउंट को डेबिट किया है। पहले हम 28,400 क्रेडिट करेंगे, तो रिवर्स करेंगे इसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए, और फिर 15,620 से पेबल कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अब इसका टोटल करते हैं, 7,68,420 प्लस 28,400, ये टोटल आ गया 7,96,820, 7,96,820 माइनस करेंगे इसमें से 15,620, ये करेक्ट बैलेंस आ जाएगा इसका 7,81,200। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 219, द पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बिलो कंटेन्स अ नंबर ऑफ एरर्स। ये कंट्रोल अकाउंट गिवन है, पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, कैश पे टू सप्लायर। ओके, अब इसमें कई एरर्स हैं, ठीक है। कंटेन्स अ नंबर ऑफ एरर्स, ऑल आइटम्स रिलेट टू क्रेडिट परचेज, रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। व्हाट शुड बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑन द पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट व्हेन ऑल द एरर्स आर करेक्ट। राइट, अ पेबल कंट्रोल अकाउंट दिया हुआ है जिसमें कई एरर्स हैं, अब हमें इसकी करेक्शन करनी है। करेक्शन करते हैं, सही अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस करते हैं, आंसर आता है पेबल कंट्रोल अकाउंट। इसके फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस है यहाँ पर, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 3,18,600। अच्छा, ये इसने ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है डेबिट पर। आपको मालूम है कि पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट, तो हम लिखते हैं क्रेडिट पे बैलेंस बीडी या बीएफ 3,18,600। कैश पे टू सप्लायर, कैश पे टू सप्लायर 13,67,000, ये डेबिट ही होगा। 13 यहाँ लिखते हैं कैश, 13,67,000 डेबिट, जीरो कम हो गया। के बाद परचेज रिटर्न अकाउंट्स पेबल कंट्रोल अकाउंट में डेबिट होती है, डेबिट पे लिखते हैं परचेज रिटर्न, शॉर्ट कर दिया मैंने इसको पीआर, स्पेस कम है, तो यहाँ पे डेबिट पे लिखते हैं अमाउंट इसका। परचेज रिटर्न है 41,200 है, परचेजेस 12,68,600। परचेजेस पेबल कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आती हैं, लिखते हैं परचेजेस, स्पेस बढ़ा देता हूँ।
इसका अमाउंट है 12,68,600, 12,68,600 के बाद कॉन्ट्रा अगेंस्ट डेबिट बैलेंसेज एंड रिसीवेबल लेजर। कॉन्ट्रा की एंट्री होती है अकाउंट्स पेबल डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो अकाउंट्स पेबल को डेबिट करने के बजाय से क्रेडिट किया है, जिसे हम लिखेंगे डेबिट साइड पर कॉन्ट्रा या सेट ऑफ के नाम से। अमाउंट है इसका 48,000, कॉन्ट्रा या कॉन्ट्रा सेट ऑफ बात एक ही है। बट डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट पेबल में डेबिट होता है, इसने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया है, जिसको डेबिट पे रिकॉर्ड करते हैं। डिस्काउंट रिसीव और बैलेंस है इसका अमाउंट 8,200। एक लाइन इंसर्ट करते हैं, ड्रॉ इंसर्ट करेंगे। ओके, अब ये कंट्रोल अकाउंट कंप्लीट हो गया हमारा, और इसका टोटल करके क्लोजिंग बैलेंस फाइंड कर। पहले इसकी क्रेडिट साइड का सम कर लेते हैं। क्रेडिट साइड का सम 31,800 प्लस 1,68,600। ये क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 15,87,200, 15,87,200। वो डेबिट साइड पे लिखते हैं 7,200, और इसमें से अब ये क्रेडिट साइड माइनस करेंगे। माइनस 8,200, माइनस 48,000, माइनस 41,200, माइनस 13,67,000 का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 1,22,800, 1,22,800 करेक्ट बैलेंस एज पर कंट्रोल अकाउंट। तो ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन इज ए 1,22,800, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 220। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ऑर्डर रिसीव्ड अ स्टेटमेंट फ्रॉम वन ऑफ इट्स सप्लायर एल्टा शोइंग अ बैलेंस ड्यू ऑफ 3,980। द अमाउंट ड्यू अकॉर्डिंग टू पेबल्स लेजर अकाउंट ऑफ वार्डन वाज ओनली 230। ओके, जब सप्लायर ने स्टेटमेंट साइन किया है, एल्टा सप्लायर है, इसने ऑर्डर को स्टेटमेंट सेंड किया और जिसके मुताबिक बैलेंस आ रहा है 3,980, और ऑर्डन के लेजर्स पेबल लेजर्स में एल्टर्स का बैलेंस है 230 ओनली। काफी डिफरेंस आ रहा है। कंपैरिजन ऑफ स्टेटमेंट एंड द लेजर अकाउंट रिवील द फॉलोइंग डिफरेंसेस। ओके, ये फॉर थ्री रीजन बता दी इसने। हाँ, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं इसकी। What difference remains between the two entities accounting records after adjusting for these items? Okay, अभी तीन items हैं, इन तीनों की हमें correction करनी है, और correction के बाद बताना है कि इनका balance क्या रह जाएगा, difference क्या रह जाएगा। इसमें एक पहले payable ledger बना लेते हैं, ऑर्डन का, एल्टास का, एक फॉर्मेट कॉपी करते हैं। पेबल अकाउंट बनेगा, अब ये कंट्रोल अकाउंट नहीं है, ये बनेगा अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल बनेगा पेबल लेजर में एल्टास के नाम से अकाउंट बन जाएगा। मतलब पेबल लेजर में हर सप्लायर का एक इंडिविजुअल अकाउंट होता है। ओके, अब ऑर्डन के रिकॉर्ड्स में एल्टास पेबल लेजर का बैलेंस है 230, ये क्रेडिट हो जाएगा 230 से, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं बैलेंस एज पर स्टेटमेंट, सप्लायर स्टेटमेंट लिख लेते हैं, सप्लायर्स, सप्लायर स्टेटमेंट।
supplier statement. आइटम्स इन तीनों की करेक्शंस करते हैं। वन है चेक सेंड बाय ऑर्डर फॉर 270 हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन एल्टास स्टेटमेंट। ठीक है, तो ऑर्डर ने 270 का चेक सेंड किया है जो एल्टास ने रिकॉर्ड नहीं किया स्टेटमेंट में। ओके, तो इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। ओके, ऑर्डर ने पेमेंट किया है, इससे आपका बैलेंस डिक्रीज होगा। तो यहाँ से हम स्टेटमेंट के बैलेंस से 230 270 माइनस करेंगे। सेकंड, नंबर टू, एल्टास हैड नॉट रिकॉर्डेड गुड्स रिटर्न बाय ऑर्डर। ऑर्डर ने गुड्स रिटर्न की 180 की जो अल्टर ने रिकॉर्ड नहीं की, ये भी माइनस होंगे यहाँ से। जब गुड्स रिटर्न होती हैं तो बैलेंस आपका डिक्रीज हो जाता है। थ्री, ऑर्डर मेड अ कॉन्ट्रा एंट्री रिड्यूसिंग द अमाउंट ड्यू टू एल्टा बाय 3,200 फॉर अ बैलेंस ड्यू फ्रॉम एल्टा इन ऑर्डर्स रिसीवेबल लेजर। नो सच एंट्री हैज बीन मेड इन एल्टास रिकॉर्ड। के ऑर्डर ने कॉन्ट्रा एंट्री बनाई जो कि एल्टा ने रिकॉर्ड नहीं की। अच्छा, आपको पता है कि इस कॉन्ट्रा की एंट्री होती है अकाउंट्स पेबल डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, जिससे आपके रिसीवेबल पेबल दोनों डिक्रीज होते हैं। तब हम यहाँ से 3,200 भी माइनस करेंगे। अब इसका बैलेंस निकालते हैं, बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। 3,980 माइनस 270 माइनस 180 माइनस 3,200, स्टेटमेंट का बैलेंस आ जाएगा 330। 330 बैलेंस आ रहा है एडजस्टेड आफ्टर करेक्शन। ओके, तब पेबल अकाउंट का बैलेंस है 230, स्टेटमेंट का बैलेंस आ गया 330, दोनों में डिफरेंस आ रहा है 100 का। 100 का डिफरेंस है। आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन इज बी, 220। करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 221। टोटल ऑफ द बैलेंसेस ऑन रिसीवेबल्स लेजर। तो कंट्रोल अकाउंट के बैलेंस रिसीवेबल लेजर से मैच नहीं हो रहे। एन इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट सेल्स डेबो हैड बीन ओवरकास्ट बाय $10। ओके, सेल्स डेबो ओवरकास्ट है। रिक्वायरमेंट क्या, व्हाट इफेक्ट विल दिस हैव ऑन द रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट। सेल्स डेबो ओवरकास्ट है, इसका इफेक्ट बताना है कंट्रोल अकाउंट पे, इसका क्या इफेक्ट होगा। लेकिन सेल्स की डबल एंट्री होती है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। अब सेल्स अगर ओवर स्टेटेड है तो, या ओवरकास्ट है तो सेल्स डेबो का टोटल अगर ओवरकास्ट है, इससे रिसीवेबल का बैलेंस भी ओवरकास्ट हो जाएगा। रिसीवेबल्स ओवरकास्ट या ओवर स्टेटेड हो जाएंगे। अब इसकी करेक्शन क्या होगी कि कंट्रोल अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस ओवर स्टेटेड है, तो इसे कम करने के लिए आप क्रेडिट करेंगे। तो ऑप्शन ए है, कंट्रोल अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड विद $10। यस, कंट्रोल अकाउंट शुड बी डेबिटेड विद $10। नो, कंट्रोल अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड विद $20। नो, कंट्रोल अकाउंट शुड बी डेबिटेड विद $20। नो, देखिए सेल्स ओवर स्टेटेड है, वो कास्ट है, तो कम करेंगे तो सेल्स हो जाएंगी डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल होगा क्रेडिट $10। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंट्रोल अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड विद $10। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।
22. क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. सप्लायर साइड लॉर्ड अ स्टेटमेंट शोइंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग ऑफ 14,350. लॉर्ड्स रिकॉर्ड शो अ बैलेंस आउटस्टैंडिंग ऑफ 14,500. सप्लायर स्टेटमेंट का बैलेंस है 14,350. लॉर्ड्स के रिकॉर्ड का बैलेंस शो कर रहा है 14,500. रिक्वायरमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन कुड अकाउंट फॉर दिस डिफरेंस. तो देखिए, जिस वजह से डिफरेंस आता है, अगर हम उसकी करेक्शन कर लें तो डिफरेंस खत्म हो जाए. तो वन बाय वन हम चारों ऑप्शंस की करेक्शन करेंगे. जिस ऑप्शन की करेक्शन पर दोनों बैलेंस इक्वल हो जाएंगे वही आंसर. अब इसमें एक अकाउंट बना लेते हैं. फॉर्मेट कॉपी करते हैं पहले अकाउंट का. हम बनाएंगे अकाउंट्स टेबल. जैसे सप्लायर नेम या मेंशन नहीं है यहाँ पे, अकाउंट्स टेबल है और अकाउंट्स बैलेंस है एज पर अकाउंट टेबल लेजर है 14,500 क्रेडिट हो जाएगा और बैलेंस है एज पर स्टेटमेंट एज पर सप्लायर सप्लायर स्टेटमेंट यह है 14,350. 14,350 वन बाय वन करेक्शन करते हैं. ऑप्शन ए, सप्लायर सेंड एन इनवॉइस फॉर 150. लॉर्ड हैज नॉट येट रिसीव. सप्लायर ने इनवॉइस साइन की, लॉर्ड ने रिसीव नहीं की है. तो सप्लायर इनवॉइस कब साइन करता है? जब वो गुड्स सेल करता है. ठीक. अब लॉर्ड जो है गुड्स परचेज कर रहा है. परचेजेस की एंट्री होगी परचेजेस डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट. अकाउंट्स पेबल यहाँ क्रेडिट करेंगे हम 150 से. अकाउंट्स पेबल का बैलेंस ऑलरेडी ज्यादा है 14,500. 150 क्रेडिट होगा तो ये बैलेंस और ज्यादा हो जाएगा. दोनों बैलेंस इक्वल नहीं होंगे तो ए आंसर नहीं होगा. ऑप्शन बी, सप्लायर हैज अलाउड लॉट 150 कैश डिस्काउंट Which you had omitted to enter in your ledgers. Supplier ने 150 discount allow किया जो lord ने record नहीं किया. तब ये lord के लिए हो जाएगा discount received. तो discount received की entry होती है accounts payable debit discount received credit. Accounts payable debit होगा 150 से. अब account close करते हैं. Total आ गया 14,500. 14,500 minus करेंगे 150. ये बैलेंस आएगा 14,350. और ये दोनों बैलेंस सेम हो गए 14,350 14,350. इट मींस तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. तो आंसर तो आ गया. अब हम अपनी प्रैक्टिस के लिए ऑप्शन सी और डी की करेक्शन भी कर लेते हैं. ऑप्शन सी, Lord has paid the supplier 150, which he has not yet accounted for. कि लॉर्ड ने सप्लायर को पेमेंट की जो सप्लायर ने रिकॉर्ड नहीं की, तो ये सप्लायर के बैलेंस से माइनस होगी. तो सप्लायर का बैलेंस ऑलरेडी कम है, 150 लेस करेंगे तो ये और कम हो जाएगा. दोनों बैलेंस इक्वल नहीं आएंगे. सी आंसर नहीं. ऑप्शन डी, लॉर्ड हैज रिटर्न गुड्स 150, व्हिच द सप्लायर हैज नॉट येट अकाउंटेड फॉर. सप्लायर लॉर्ड ने गुड्स परचेज रिटर्न की जो सप्लायर ने रिकॉर्ड नहीं की, ये सप्लायर के बैलेंस से माइनस होंगी. सप्लायर का बैलेंस मजीद कम हो जाएगा. दोनों बैलेंस इक्वल नहीं आएंगे तो डी भी आंसर नहीं. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डिस्काउंट रिसीव डेबिट. और ये टोटल होगा 14,500. 14,500 करेक्ट बैलेंस आ जाएगा 14,350. तो द करेक्ट ऑप्शन है इस. क्वेश्चन नंबर 223. क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वुड नॉट लीड टू अ डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ द बैलेंसेस
on receivables ledger and the balance is on receivable ledger control account. इसमें हमें वो एरर बताना है जिसकी वजह से कंट्रोल अकाउंट और रिसीवेबल लेजर के बैलेंस में डिफरेंस नहीं आएगा. ऑप्शन ए, एन एरर इन टोटलिंग द सेल्स डे बुक. सेल्स डे बुक ओवर या अंडर कास्ट होगी तो उससे कंट्रोल अकाउंट पर अफेक्ट आता है, कंट्रोल अकाउंट अफेक्ट होगा. ठीक है, दोनों बैलेंस इक्वल नहीं आएंगे. ऑप्शन बी, एन एरर इन टोटलिंग रिसिप्ट कॉलम ऑफ द कैश बुक. रिसिप्ट का टोटल आपने गलत किया है ओवर या अंडर कास्ट, तो इससे आपके कंट्रोल अकाउंट के बैलेंस पे इफेक्ट आएगा, दोनों बैलेंस इक्वल नहीं आएंगे. ऑप्शन सी, एन ओवर स्टेटमेंट ऑफ एन एंट्री इन कस्टमर्स अकाउंट. अब तो इससे आपका कस्टमर अकाउंट बैलेंस ओवर स्टेट होगा, रिसीवेबल लेजर बैलेंस ओवर स्टेट हो जाएगा और डिफरेंस आएगा. ऑप्शन डी, एन एंट्री पोस्टेड टू द रॉन्ग कस्टमर अकाउंट. रॉन्ग कस्टमर अकाउंट में एंट्री की तो इससे कस्टमर्स का बैलेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन जब हम रिसीवेबल लेजर का टोटल करेंगे तो टोटल सेम आएगा. तो फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए को डेबिट करना था, आपने मिस्टर बी को डेबिट किया, तो इससे मिस्टर ए और बी के बैलेंस चेंज हो जाएंगे, लेकिन जब दोनों का टोटल करेंगे तो वो सेम आएगा. ठीक, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर. इससे कंट्रोल अकाउंट और रिसीवेबल लेजर के बैलेंस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. 223 करेक्ट ऑप्शन इज. क्वेश्चन नंबर 224, रिसीवेबल लेजर क्वेश्चन रीड करता है. रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 37,642. द इंडिविजुअल कस्टमर्स अकाउंट इन द रिसीवेबल लेजर शोड अ टोटल ऑफ 35,840. ओके, कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस है 37,642, रिसीवेबल लेजर का बैलेंस 35,840. डिफरेंस आ रहे हैं दोनों में. रिक्वायरमेंट है द डिफरेंस कुड बी ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग. रीजन बतानी है. अच्छा, तो अगेन वही के जिस वजह से डिफरेंस आता है उसकी करेक्शन कर रहे हैं तो दोनों बैलेंस सेम हो जाएंगे. तब यहाँ भी हम वन बाय वन चारों ऑप्शन की करेक्शन करेंगे. जिस ऑप्शन की करेक्शन पर दोनों बैलेंस सेम हो गया वही हमारा आंसर. फॉर्मेट कॉपी करते हैं. बैलेंस लिखते हैं. कंट्रोल अकाउंट बैलेंस है 37,642, 37,642, और यहां लिखते हैं बैलेंस एज पर रिसीवेबल्स लेजर 35,840, 35,840. अब करेक्शन करते हैं वन बाय वन. ऑप्शन ए, अंडरकास्टिंग द सेल्स डे बुक बाय 1,802. सेल्स डे बुक अंडरकास्ट है तो इसे इंक्रीज करेंगे. अब सेल्स इंक्रीज होंगी तो इसकी एंट्री होती है सेल्स क्रेडिट और अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट डेबिट. अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट डेबिट 1,802, 1,802 कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करते हैं 1,802. कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस ऑलरेडी ज्यादा है रिसीवेबल लेजर से. अब ये 1,802 डेबिट होंगे, इसमें ऐड होंगे तो ये बैलेंस और ज्यादा हो जाएगा, दोनों बैलेंस इक्वल नहीं आएंगे, तो ए आंसर नहीं. ऑप्शन बी, ओवरकास्टिंग द सेल्स रिटर्न डे बुक बाय 1,802. सेल्स रिटर्न ओवरकास्ट है, मतलब सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है सेल्स रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट. हम सेल्स रिटर्न को कम करेंगे, सेल्स रिटर्न एडिट होंगी और अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1,802, 1,802. अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट डेबिट करते हैं तो फिर ये ऑलरेडी बैलेंस ज्यादा है और ज्यादा हो जाएगा, बी भी आंसर नहीं. ऑप्शन सी,
Ending cash receipt of 1802 on the debit side of customer's account. तो कैश रिसिप्ट की एंट्री होती है कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अब कस्टमर्स अकाउंट को क्रेडिट करने के बजाय इसने डेबिट किया है, तब इसे डबल अमाउंट से क्रेडिट करेंगे। रिसीवेबल लेजर का बैलेंस है डेबिट, इसकी करेक्शन होगी, हम इसे डबल अमाउंट से क्रेडिट कर, इसका डबल करते हैं, 1802 इंटू टू डबल हो जाएगा 3604। यहाँ 3604 से क्रेडिट करेंगे और क्रेडिट मीन्स यहाँ से माइनस हो जाएगा। देखिए रिसीवेबल लेजर का बैलेंस ऑलरेडी कम है, अब इसमें से 3604 माइनस करेंगे तो ये और कम हो जाएगा, कंट्रोल अकाउंट के बैलेंस के इक्वल नहीं आएगा, तो सी भी आंसर नहीं। ऑप्शन डी, एंट्री का काउंटर विद पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट ऑफ 901 ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट। जब कॉन्ट्रा की एंट्री होती है, पहले यहाँ लिख लेते हैं, इसकी एंट्री होती है अकाउंट्स पेबल डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, अमाउंट है 901 901। अब इसने क्या किया कि अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करने के बजाय डेबिट कर दिया ऑन डेबिट साइड ऑफ रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट। तब हम कंट्रोल अकाउंट को डबल से क्रेडिट करेंगे, इसका डबल होगा 1802। कंट्रोल अकाउंट को बैलेंस करते हैं 37642 37642, इसमें से माइनस करेंगे आप 1808, 37642 माइनस 1802 करेक्ट बैलेंस आ जाएगा 35840 35840। देखिए कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस और रिसीवेबल लेजर का बैलेंस दोनों इक्वल हो गए, तो इस तरह से करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 225, द बुक हैज रिसीव्ड अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फ्रॉम वन ऑफ इट्स सप्लायर शोइंग एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यू टू इट ऑफ 1350। ऑन कंपैरिजन विद द लेजर अकाउंट द फॉलोइंग्स आर फॉलोइंग वाज आइडेंटिफाइड। ओके, ये पांच पॉइंट्स, चार फोर पॉइंट्स हैं, रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। Following consideration of these items, what was the unreconciled difference between the statement of account from the supplier and Turbo's ledger account? Balance हमें दिया हुआ है as per statement balance given है 1350, चार points हैं, इनकी correction के बाद हमें बताना है balance क्या रह जाए। बनाते हैं statement, लिख लेते हैं balance as per सप्लायर्स स्टेटमेंट। सप्लायर्स स्टेटमेंट 1350, सर ये बात हो रही है पेबल की, तो इसको हम आगे लिख लेते हैं बैलेंस होगा क्रेडिट, इसे करेक्शन करने में आसानी। पॉइंट वन है द लेजर अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 60, ये लेजर का बैलेंस दिया हुआ 260, लेजर यहां बनाते हैं। अकाउंट पेबल की बनेगा अकाउंट पेबल, सप्लायर नेम मेंशन नहीं है, ठीक है बैलेंस लिख लेते हैं, बैलेंस यहां दिया हुआ 260। अब पॉइंट, सप्लायर हैज दिस अलाउड कैश डिस्काउंट ऑफ 80 ड्यू टू लेट पेमेंट ऑफ एन इनवॉइस। ओके, सप्लायर ने डिस्काउंट डिसअलाउ किया है, ये देखिए डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री होती है अकाउंट्स पेबल डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट। सप्लायर ने डिस्काउंट डिसअलाउ किया तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, डिस्काउंट रिसीव डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट करेंगे।
supplier has not yet allowed for goods returned at the end of period of 270. क्या गुड्स हमने रिटर्न की जो सप्लायर ने रिकॉर्ड नहीं की, सप्लायर के स्टेटमेंट बैलेंस से ये माइनस हो जाएंगी, -270. पॉइंट फोर, कैश इन ट्रांजिट ऑफ 830 हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय द सप्लायर. तबक ने सप्लायर को पेमेंट की 830 की और कैश अभी इन ट्रांजिट है, सप्लायर तक नहीं पहुंचा, तो ये सप्लायर के स्टेटमेंट से माइनस हो जाएगा. ये बैलेंस कैलकुलेट करते हैं. अब ये 260 प्लस 80 टोटल होगा 340, 340 और ये कैरी डाउन आ गया इसका 340. बैलेंस एज पर लेजर आ जाएगा 340. और अब बैलेंस एज पर स्टेटमेंट कैलकुलेट करते हैं. 1350 माइनस 270 माइनस 830, बैलेंस आ रहा है 250 का. 250 अंडरलाइन कर देते हैं. अब देखें बैलेंस एज पर स्टेटमेंट है 250 और बैलेंस एज पर लेजर 340, दोनों का डिफरेंस बनेगा 90. 90 तो करेक्ट आंसर होगा इज ऑप्शन बी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 226, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. The purchases day book of Abroth has been undercast by 500 and the sales day book has been overcast by 700. Abroth maintains payables and receivables ledger control accounts as part of the double entry bookkeeping system. Okay. So, दो एरर्स हैं यहाँ पे. परचेज डे बुक अंडरकास्ट है और सेल्स डे बुक ओवरकास्ट. रिक्वायरमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड करेक्ट दीज एरर्स. अच्छा देखिए, हम डे बुक परचेज डे बुक अंडरकास्ट है, सेल्स डे बुक ओवरकास्ट है, तो डे बुक्स का जो टोटल है वो हम रिकॉर्ड करते हैं कंट्रोल अकाउंट्स में, तो इन दोनों एरर का इफेक्ट कंट्रोल अकाउंट पर होगा, इन लेजर बैलेंसेस पे कोई इफेक्ट नहीं. अच्छा पॉइंट ऑप्शन ए, एडजस्ट द लेजर बैलेंसेस ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर्स एंड सप्लायर्स, नो. ऑप्शन बी, एडजस्ट द लेजर बैलेंसेस ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर एंड सप्लायर्स, नो. ऑप्शन सी, एडजस्ट कंट्रोल अकाउंट्स. अच्छा यहां तक ये ऑप्शन ठीक है, विद नो इफेक्ट्स ऑन प्रॉफिट इस पर भी हम बात करते हैं. ऑप्शन डी, एडजस्ट कंट्रोल अकाउंट्स, यहां तक ये ऑप्शन भी ठीक है, विद अ डिक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ 1200 इस पर बात करते हैं. तो आंसर होगा ऑप्शन सी या डी में से, क्योंकि डे बुक्स ओवर अंडर कास्ट है तो उनका इफेक्ट सिर्फ कंट्रोल अकाउंट पे होता है, इंडिविजुअल्स पे नहीं. अच्छा देखिए, पर सेल्स हमारी ओवरकास्ट है. पहले सेल्स डे बुक की बात करते हैं. सेल्स डे बुक ओवरकास्ट है. देखिए सेल्स हमारी ओवरकास्ट है तो इससे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा, प्रॉफिट भी ओवरकास्ट हो जाएगा. करेक्शन क्या होगी, हम सेल्स को डिक्रीज करेंगे तो प्रॉफिट भी डिक्रीज होगा. प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा बाय 700. परचेज डे बुक अंडरकास्ट है. परचेजेस को हम इंक्रीज करेंगे बाय 500. परचेज इंक्रीज होंगी तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज होगी. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा. प्रॉफिट को अगेन 500 से डिक्रीज करेंगे, इसका नेट इफेक्ट आ जाएगा माइनस 1200. अब हमें प्रॉफिट को तो भी 1200 से डिक्रीज करना होगा. कंट्रोल अकाउंट को भी एडजस्ट करेंगे, प्रॉफिट को भी एडजस्ट करेंगे. तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एडजस्ट कंट्रोल अकाउंट विद अ डिक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ 1200. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 227, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 20x20x0 Pigeons purchases totaled 225,600 plus sales tax of 33,840. A total of 259,440 was credited to the payables ledger control account as 254,940. अब एक एरर आ गया, इसकी हमें करेक्शन करनी है. Which of the following adjustment is correct? तो पहले इसकी ओरिजिनल एंट्री बना लेते हैं. परचेजेस की बात कर रहे हैं,
इसकी एंट्री होगी ओरिजिनल परचेजेस डेबिट होंगी, परचेजेस हम डेबिट करेंगे नेट अमाउंट से, नेट अमाउंट यहाँ पर है 2,25,600। और इसके बाद सेल्स टैक्स, तो सेल्स टैक्स ऑन परचेज डेबिट होते हैं, सेल्स टैक्स डेबिट होगा 33,840 से डेबिट। अकाउंट्स पेबल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा ग्रॉस अमाउंट से, और इनका टोटल है 2,59,440, 2,59,440। ये तो इसकी ओरिजिनल एंट्री है। अब इसमें एरर क्या हुआ है कि इसने पेबल्स कंट्रोल अकाउंट को 2,59,440 से क्रेडिट करने के बजाय 2,54,940 से क्रेडिट किया। इसने डेबिट और क्रेडिट बिल्कुल सही रिकॉर्ड की है, लेकिन पेबल अकाउंट पेबल को इसने रॉन्ग अमाउंट से रिकॉर्ड किया है, 2,54,940। पेबल अकाउंट क्रेडिट करना था 2,59,440 से, और क्रेडिट इसने किया 2,54,940 से, यानी कि ज्यादा अमाउंट से क्रेडिट करना था, कम अमाउंट से क्रेडिट किया, तब इनका डिफरेंस लेकर अकाउंट्स पेबल कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ये इसकी करेक्शन हो जाएगी। करेक्शन के लिए अब दोनों का डिफरेंस लेते हैं, 2,59,440 माइनस 2,54,940, डिफरेंस आ रहा है 4,500 का। 4,500 से अकाउंट्स पेबल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होगा। अच्छा देखिए, अब ये टोटल मिस्टेक है, कंट्रोल अकाउंट में एरर आया, तो इसका इफेक्ट सिर्फ कंट्रोल अकाउंट पे होगा, लिस्ट ऑफ सप्लायर बैलेंसेस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह आंसर होगा ऑप्शन ए, कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट 4,500 और लिस्ट ऑफ सप्लायर बैलेंसेस में नो एडजस्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 228। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। इन रिकंसाइलिंग द रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट विद द लिस्ट ऑफ रिसीवेबल्स लेजर बैलेंसेस ऑफ एसके, द फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड। द सेल्स डे बुक हैड बीन ओवरकास्ट बाय 370। नंबर टू, अ टोटल ऑफ 940 फ्रॉम द कैश रिसिप्ट बुक हैड बीन रिकॉर्डेड इन द रिसीवेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट एज 490। दो एरर्स हैं। सो रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट एडजस्टमेंट मस्ट बी मेड टू करेक्ट द एरर्स। ऑप्शन ए है 0.1, बल्कि 0.1 इसमें लिखता है सेल्स डे बुक हैड बीन ओवरकास्ट बाय 370। जब सेल्स डे बुक ओवरकास्ट है तो इसका इफेक्ट सिर्फ कंट्रोल अकाउंट पे होगा, इंडिविजुअल रिसीवेबल लेजर पे कोई इफेक्ट नहीं है। अच्छा, 0.2 में टोटल की बात हो रही है, टोटल ऑफ 940 फ्रॉम कैश रिसिप्ट बुक। अच्छा, ये टोटल भी कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, रिसीवेबल लेजर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं। ठीक है, तो दोनों एरर्स का इफेक्ट सिर्फ कंट्रोल अकाउंट पर होगा। अब दोनों की करेक्शन करते हैं, उसके बाद फिर आंसर देखेंगे। अब ऑप्शन नहीं, 0.1 है सेल्स डे बुक ओवरकास्ट है। अब सेल्स हमारी ओवरकास्ट है तो सेल्स को हम कम करेंगे, तो इसकी करेक्शन होगी, सेल्स क्रेडिट हो जाएंगी, सेल्स होंगी डेबिट, क्रेडिट कर सेल्स डेबिट होंगी, और अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 370। अमाउंट लिख लेते हैं 370। सेल्स ओवरकास्ट है, सेल्स को हमने कम किया, सेल्स हो गई डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। सेकेंड एरर है, कैश टोटल ऑफ 940 फ्रॉम द कैश रिसिप्ट बुक। कैश रिसीव किया हमने 940 का, लेकिन इसे हमने रिसीवेबल अकाउंट में रिकॉर्ड किया 490 से। जब कैश रिसिप्ट की एंट्री होती है, कैश डेबिट डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, तब हमें अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करना था 940 से, और हमने इसे क्रेडिट किया 490 से। तो दोनों का डिफरेंस लेते हैं, यानी कि ज्यादा अमाउंट से क्रेडिट करना था हमने, कम अमाउंट से क्रेडिट किया, तो डिफरेंस लेंगे 940 माइनस 490,
डिफरेंस आ रहा है 450 के, तो 450 से हम रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट को मजीद क्रेडिट करेंगे। तो रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और ये फर्स्ट एक एंट्री भी बना लेते हैं। असल तो में इसकी ओरिजिनल एंट्री होगी कैश डेबिट 940, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 940 से। कंप्लीट लिख देता हूँ मैं इसको, अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट 940। अच्छा रॉन्ग एंट्री बनाई, कैश को तो डेबिट ही किया 940 से, और अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट किया 490। करेक्शन होगी इसकी, अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होगा 450 से, तब ये बन जाएगा एरर अफेक्टिंग, डेबिट में हम लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। ओके अकाउंट को फिलहाल हम अकाउंट रिसीवेबल को देखेंगे। अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट है, और वन में भी अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होता है, तो ये क्रेडिट क्रेडिट दोनों ऐड हो जाएंगे। 370 प्लस 450 तो 820 टोटल बन रहा है इनका। 820 से अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, 820 से अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होगा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए क्रेडिट रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट 820, यहां तक ये ठीक है। डिक्रीज टोटल ऑफ रिसीवेबल लेजर बैलेंसेस बाय 820, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों एरर का इफेक्ट कंट्रोल अकाउंट पर आएगा, इंडिया रिसीवेबल लेजर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन बी क्रेडिट रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट 820 ठीक है, नो चेंज इन टोटल ऑफ रिसीवेबल्स लेजर बैलेंसेस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सी और डी भी देख लेते हैं, डेबिट रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट 80 नो, यहीं पे रॉन्ग हो गया। डी डेबिट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट 80 नो, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्रेडिट रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट बाय 820, नो चेंज इन टोटल ऑफ रिसीवेबल्स लेजर अकाउंट। करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 229 लास्ट क्वेश्चन है, कर लेते हैं। मार्क इज अ सोल ट्रेडर वाइज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन विद क्रेडिट कस्टमर्स एंड सप्लायर फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2025। रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं इसकी, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ मार्क परचेजेस फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2025। परचेजेस फाइन करनी है, तब हम बनाएंगे एक अकाउंट्स पेबल कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं, उसमें ये सारे ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे और उसे बैलेंस करेंगे, तो हमारे पास क्रेडिट परचेजेस आ जाएंगे। फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं, पेबल का अकाउंट्स पेबल कंट्रोल अकाउंट, ये ऊपर ओपनिंग बैलेंस है, ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल्स कैश रिसीव। ट्रेड पेबल्स का ओपनिंग बैलेंस है फर्स्ट में 1,30,000 का, ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं 1,30,000। इसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर पेबल में नहीं आएगा, कैश पे टू सप्लायर ये पेबल अकाउंट में आ जाएगा डेबिट साइड पर, कैश पे टू सप्लायर 3,40,000, अकाउंट्स पेबल डेबिट 3,40,000 से। डिस्काउंट रिसीव कैंसिल होती है, अकाउंट्स पेबल डेबिट डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, अकाउंट्स पेबल डेबिट होगा 3,500। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा बिटवीन पेबल्स एंड रिसीवेबल, कॉन्ट्रा की एंट्री होती है अकाउंट्स पेबल डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, अकाउंट्स पेबल डेबिट हो जाएगा 3,800 से, और यहाँ लिखते हैं कॉन्ट्रा। ट्रेड रिसीवेबल 30 अप्रैल ये नहीं आएगा, ट्रेड पेबल्स 30 अप्रैल ये रिकॉर्ड करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस है 1,50,000, पेबल्स का क्लोजिंग बैलेंस आ गया 1,50,000। अब हमें फाइंड क्या करना है, कॉस्ट ऑफ परचेजेस।
परचेज की एंट्री होती है, परचेजेस डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पर परचेजेस आएंगी और ये हमें फाइंड करनी है, तो मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अब हम इसका डेबिट साइड का टोटल करते हैं, 3,40,000 प्लस 3,500 प्लस 3,800 प्लस 1,50,000, ये डेबिट साइड का टोटल आ गया 4,97,300, 4,97,300। डेबिट साइड पे भी लिखते हैं 4,97,300, इसमें से ये डेबिट का ओपनिंग बैलेंस 1,30,000 माइनस करेंगे, माइनस 1,30,000, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया हमारे पास 3,67,300, 3,67,300, और ये हमारी परचेजेस होंगी। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नहीं है, ब्लैंक दी हुई है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है, 3,67,300। यहीं पे टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ।